Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 29 जनवरी 2023 का हमारे पास पेपर है. क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O और KO2 रिस्पेक्टिवली. तो पहला है Li2O, तो ये बनाता है O2-, दूसरा Na2O2, तो इसका बनेगा O2-, फिर KO2 का बनेगा O2-. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4. तो हमें पता है इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 6+2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एस में फिल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन पी में फिल होते हैं. और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं. पेयर्ड होने की वजह से क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा. क्या होगा, डायमैग्नेटिक. अब नेक्स्ट है O2-. O2-, में आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4. जब हम O2 की बात करेंगे तो 4+4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8. और अगर हम O2-2- की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8+2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. आपको पता है O2 के लिए जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है उसमें P सबशेल इसके हिसाब से फिल होती है, बी 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 ए ए ए. यहाँ पे बी सिग्मा 2PZ होता है और ये पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई एंटी बेंडिंग और ये क्या होता है, सिग्मा 2PZ होता है. तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है. अगर पेयर्ड है तो इसका मतलब O2-2- भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा. अब आ रही बात O2- की, तो आपको पता है O2- कैसे लिखा जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब +1, तो टोटल होंगे 9 इलेक्ट्रॉन. कंडीशन आएगी B B B A A और A. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 4, 6, 8 और 1, 9. तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है. अनपेयर्ड होने की वजह से ये क्या होगा, दिस इज पैरा मैग्नेटिक. क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक. तो इसका मतलब जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डाया डाया और पैरा रिस्पेक्टिवली बोला गया है. तो डाया डाया पैरा हमें ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है. क्लियर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा. इज दैट पॉइंट क्लियर.